नमस्कार दोस्तों, मैं प्रथमेश आंगणे तुम सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज हम जाने वाले हैं सेक्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 के सफ़र पे। तो वी आर कैरिंग आर बाइसिकल विद अस एंड दिस आर माई ट्रैवल पार्टनर्स फॉर टुडे। तो हम लोग आज ब्लॉग बनाने वाले हैं कांदिवली वेस्ट का, चारकोप के जो सेक्टर्स है उसमें। हम हर सेक्टर में कुछ ना कुछ अलग है जो मैं आज तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो आप सभी का स्वागत है, हमारा हिंदी ब्लॉग फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो कैसा लगा वो भी बताना और कमेंट बहुत सारे करना। थैंक यू। तो अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 6, वहाँ पे साई बाबा का और गणपति जी का साई गणेश मंदिर है, तो हम उधर जाते हैं। तो लेट्स गो। वीडियो आखिर तक देखिए और मेरा हिंदी सुधारने में मदद कीजिए। थैंक यू। अभी हम लोग सेक्टर 3 जो चारकोप कांदिवली में मार्केट एरिया है वहाँ पे मेन रोड पे है। यहाँ से 2 किलोमीटर पे सेक्टर 6 का वो मंदिर है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड और देखिए वो मंदिर कैसा है। बहुत सॉर्टेड जगह पे है वो मंदिर और हम जाने वाले वहाँ पे। लेट्स सी। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, अभी आप देख सकते हैं हम लोग हाईवे पे हैं। एक किलोमीटर में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। थैंक यू। हमारे पार्टनर कहाँ पे? पीछे है, वो आएगा तब तक हम आगे पहुंच जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं, अभी सेक्टर 6 में एंट्री की है। वहां पे टर्निंग पे एक लेफ्ट और फिर एक राइट। वहाँ पे मंदिर के अलावा एक गाय का ये भी है, गो माता का दुग्धालय भी है। तो हम लोग उधर भी जाएंगे। ये तो आपने देख लिया सेक्टर नंबर 6 का मंदिर और यहाँ पे जो गौशाला थी वो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 7 में।
अभी हम लोग सेक्टर 6 से डायरेक्टली सेक्टर 7 जाने वाले थे, बट वो प्लान हम लोग ने कैंसिल किया क्योंकि वहाँ पे अभी इतने लाइट्स और नहीं है तो शूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सोचे कि डायरेक्टली वी विल गो टू सेक्टर 8 और वहाँ से 9। तो हम लोग अभी सेक्टर 8 जा रहे हैं। सेक्टर 8 के बारे में मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ। सेक्टर 8 ये चारकोप का मरीन लाइन्स, मतलब रात को वहाँ पे लोग बर्थडे मनाते हैं, जॉगिंग के लिए आते हैं, वॉक के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग उनके पेट्स लेके आते हैं। एक तरफ बिल्डिंग्स है और दूसरी तरफ मरीन लाइन्स में तो सी है, बट यहाँ चारकोप के सेक्टर 8 में एक तरफ मैंग्रूव्स है, वहीं पे से अपना कोस्टल रोड निकलने वाला है बाद में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो भी उधर करूँगा शूट, होपफुली आपको ये सेक्टर 8 बहुत प्यारी जगह है चारकोप की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपके और कौन सा पार्ट देखने हैं मुंबई के। सॉरी फॉर द नॉइज, रोड पे हो तो नॉइज तो आना ही है, तो बने रहिए आखिर तक। ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तरफ पूरी बिल्डिंग्स है और ये तरफ पूरा मैंग्रोव्स। यहाँ पे थोड़े स्टॉल्स लगते हैं शुरुआत में, एंड में जो पॉइंट है जैसे मरीन लाइन्स का नरीमन पॉइंट एंड है, यहाँ का जो एंड है उसको टर्जन पॉइंट कहते हैं। तो चलो निकलते हैं टर्जन पॉइंट के लिए। एक तरफ मैंग्रूव्स, दूसरी तरफ बिल्डिंग्स, मरीन लाइन्स ऑफ चारको। हम आ चुके हैं टर्जन पॉइंट। एज यू ऑल कैन सी, पीछे डेड एंड है, आर साइकिल्स हैव बीन पार्क्ड ओवर देयर, एंड यस बिल्डिंग्स है एक तरफ, दूसरी तरफ पूरे मैंग्रोव्स। यहाँ पे कुछ सिटिंग्स है जहाँ पे सुबह लोग योगा करते हैं, अभी भी गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। सो दिस इज हाउ दे स्पेंड टाइम ओवर हियर। So
सो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं सेक्टर 8 से एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सेक्टर 9। वहाँ पे स्वामी समर्थ का टेंपल है और आज थर्सडे है तो प्रोबेबली विल गो देयर अगर भीड़ ज़्यादा नहीं होगी तो, और स्वामी जी का दर्शन लेके ही आएंगे। ओके तो वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और बने रहिए विद हसलिंग आयुष्य। थैंक यू। श्री स्वामी समर्थ। देख सकते हो गाइस हम स्वामी समर्थ के मंदिर में जाके आ गए और इसी तरह हमारा ये 9 नंबर सेक्टर कंप्लीट हो चुका है देख के। तो हम हर सेक्टर में जाके कुछ ना कुछ उधर के पहलू देख के आए। तो आपको ये ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताइए, और हिंदी ब्लॉग सही है या अपना मराठी ही सही वो भी ज़रूर बता देना। Thank you. See you.